हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो मेरा दूसरा चैनल था उस चैनल का मोनेटाइजेशन कैसे डिसेबल हुआ था। तो इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो देखिएगा, अगर आप भी एक यूट्यूबर है या आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है या अभी नहीं हुआ तो इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरे उस चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था तो मेरे जो 24 घंटे के अंदर व्यूज थे वो करीब 4 से 5 हजार व्यूज पर डे आ रहे थे, वो भी कुछ पुरानी वीडियो पे, ठीक है ना। और इसमें मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ कि मैं अपनी एड पे खुद क्लिक नहीं करता था, फिर भी मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया, ठीक है। तो 4 से 5 हजार व्यू मेरे 24 घंटे के अंदर आ रहे थे और फिर भी मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया, जिसमें मेरा सीटीआर था जो कोई ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। सीटीआर मेंटेन था, जैसे कि 6 था हो जाता था कभी 6-5, ठीक है ना। तो बीच में बड़ा भी है तो मैं ऐड बंद कर देता था जैसे कि और यूट्यूबर बताते थे, तो जिससे सीटीआर मेंटेन हो जाता था, फिर से बढ़ जाता था, 3-4 दिन बंद रखता था, फिर से ये खेल चलता रहा मेरे साथ। तो इसका रीजन क्या था ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एडसेंस की जो पॉलिसी है, फर्स्ट टाइम के लिए जब एडसेंस आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल करता है तो वो 1 मंथ के लिए करता है, ठीक है ना। तो मेरा 1 मंथ के लिए हुआ था सस्पेंड, जिसको टेम्परेली सस्पेंड बोलते हैं। तो 1 मंथ के बाद दोबारा से फिर रीइनेबल हो गया था। तो रीइनेबल होने के बाद क्या हुआ, मेरे चैनल पर व्यूज फिर उसी रेंज में आ रहे थे, ठीक है ना। तो अगर हमारे इसी रेंज में व्यूज आ रहे थे जिसके कारण मेरे चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी आ रही थी, ठीक है ना, मैं खुद क्लिक नहीं कर रहा था, ना ही हेटर्स वगैरह, तो बस एक मन का बहम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्लिक आ रहे थे, बार बार क्लिक आ रहे थे, तो सीटीआर बढ़ जाता था। तो सीटीआर बढ़ने के कारण फिर मैं नॉर्मल करता था, बढ़ जाता था। तो जब मेरा दोबारा से रीइनेबल हुआ था तो कुछ दिन के बाद फिर दोबारा डिसेबल हो गया लाइफ टाइम के लिए। इसका मैंने सभी यूट्यूबर से बात की तो इसका क्या रीजन था ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन में क्या होना चाहिए, आपके 100 ऐड पे आने के बाद, जैसे कि हमारी वीडियो पे ऐड आती है जिसको स्किप नॉन स्किप, तो उसमें एक क्लिक आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि पूरी ऐड अगर वॉच कर रहा है तो वो एक क्लिक माना जाता है। अगर वो जैसे कि स्किप आ गया फिर भी हम पूरी ऐड देख रहे हैं तो वो एक क्लिक माना जाता है। जैसे कि 100 व्यूज के बाद एक क्लिक आना चाहिए, पर ऐसा होता है कि नए क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो क्लिक करते हैं। तो जैसे कि अगर 100 के बाद 10 ऐड पे क्लिक कर रहा है तो 10% सीटीआर हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण मेरा भी सीटीआर ऐसे बढ़ जाता था और जिसके कारण मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया 2 बार यही। और जब एक बार डिसेबल हुआ था तो मैंने क्या किया, 15-20 दिन तो ऐड बंद ही रखे और जब ऑन किए तो डिसेबल हो गया। ज्यादातर यूट्यूबर आपको क्या बताएंगे कि मैं अपनी ऐड पे 1-2 बार खुद क्लिक किया जिसके कारण डिसेबल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बिना ऐड पे क्लिक किए भी खुद की पे मोनेटाइजेशन डिसेबल आराम से हो जाता है। तो इस चीज को अगर आपका न्यू चैनल है और उसका मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, अगर आपके 20 से 25 हजार व्यू आ रहे हैं और 4 से 5 सीटीआर रह रहा है तो आपका एडसेंस सेफ रहेगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं बढ़ रहा है, कई यूट्यूबर बोल रहे थे कि आप अपील करो ये वो करो, मैंने पूरा जोर लगा दिया, अगर डिसेबल होना है तो होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम मैंने नहीं की थी अपील, सेकेंड टाइम मेरा सीटीआर बढ़ा 2-3 दिन में तो मैंने अपील की तो उसका एडसेंस पे कोई असर नहीं पड़ा था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके 20 से 25 हजार 24 घंटे के अंदर व्यू आ रहे हैं तो आप YouTube से बिल्कुल आराम से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो उस पर क्लिक ज्यादा आएंगे, क्लिक के कारण आपका एडसेंस अकाउंट आराम से डिसेबल कर देता है, इनको बस रीजन चाहिए होता है। और बाद में आपको एक ही मेल मिलेगी इनवैलिड एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इसको इनवैलिड एक्टिविटीज कहकर ये डिसेबल कर देते हैं। तो इसलिए आपका अगर इनेबल हो चुका है तो आप प्लीज आप व्यू चेक कीजिए आपके कितने आ रहे हैं, नहीं तो आपका डिसेबल होने का खतरा है, ठीक है ना। नहीं तो आप 2 मंथ के बाद अगर आपके ऐसे कम व्यू आ रहे हैं तो 2 मंथ के बाद दोबारा इनेबल कर दीजिए। अगर 4-5 हजार आ रहे हैं तो मैनेज होता रहता है, पर स्टार्टिंग में तो अगर ज्यादा व्यू आएंगे और सीटीआर मेंटेन रहेगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो आशा करूंगा आपको इससे कुछ वीडियो को देखने के बाद सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना आपने प्यार और सपोर्ट उस चैनल पर दिया है इतना ही आप इस चैनल पर दीजिए, ताकि हम इस पे भी 10-10 हजार सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर सकें। जैसे कि आपने उस चैनल पे देखा इतने सब्सक्राइबर थे फिर भी व्यूज कम आ रहे थे पर उसका डिसेबल हो गया, तो आप प्लीज हमें यहाँ पे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।